आशा गावड़े गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। आज मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे सब्सक्राइबर अभी काफ़ी बड़े हैं और उनके लिए मैं अभी एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ कि शॉर्ट सर्विक्स यानी क्या है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते जिसको आपके लैंग्वेज में कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर चौथे पांचवें महीने में टाका लगाने को बोलते हैं। तो मानो ये शॉर्ट सर्विक्स क्या है, ये क्यों होता है, वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा और उसके लिए सच में ऑपरेशन की ज़रूरत है क्या या ऑपरेशन के अलावा और कुछ और ऑप्शन है क्या, वो आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि शॉर्ट सर्विक्स यानी क्या। सर्विक्स यानी क्या कि आपके थैले का मुँह, बच्चादानी का मुँह जो 9th मंथ में डिलीवरी के वक्त खुलता है और उसकी नॉर्मल लंबाई 3-4 सेंटीमीटर तक रहती है। तो नॉर्मली ये सर्विक्स जब भी आपको प्रेगनेंसी रहती है 3rd, 4th, 5th मंथ तक ये 3-4 सेंटीमीटर ऐसे उसकी लेंथ रहती है और जैसे आप 9th मंथ में जाते हैं 8.5 महीना कंप्लीट करते हैं वैसे आपके सर्विक्स की लेंथ कम होने लगती है और वो सॉफ्ट होने लगता है और उसके बाद वो खुलने लगता है। उसको बोलते हैं हम लोग डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर ये सर्विक्स जल्दी शॉर्ट होने लगा, मानो 3rd मंथ में 4th मंथ में या 5th मंथ में आपके डॉक्टर आपको बोल रहे कि आपके थैली का मुंह छोटा है या खुल रहा है, उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विक्स या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। वो केस में आपको एबॉर्शन होने की रिस्क है या जल्दी डिलीवरी होने की रिस्क है। तो इसमें बच्चा आपका प्रीटर्म रहेगा, बहुत ही अगर जल्दी डिलीवरी हुई तो वो केस में आपका एबॉर्शन होता है, तो इसलिए आपके डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने को बोलते हैं या बेड रेस्ट बोलते हैं या मेडिसिन देते हैं। ये हो गया अपना शॉर्ट सर्विक्स। अभी अगर मानो 20 वीक्स के पहले यानी 5 महीने के पहले अगर वो सर्विक्स खुल गया तो उसको बोलते हैं हम लोग एबॉर्शन। उस केस में हम लोग बच्चे को बचा ही नहीं पाएंगे। 20 हफ्ते से मानो 24 हफ्ते तक हुआ तो उस केस में भी वो एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी रहेगा, उस केस में भी वो बच्चे का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। और 24 हफ्ते से 28 हफ्ते या 34 वीक्स जो भी है वो प्रीटर्म बेबी रहेगा, उसको NICU का स्टे लगेगा, लेकिन अगेन खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस है और बच्चा भी प्रीटर्म रहेगा। तो अगर आपके डॉक्टर आपको शॉर्ट सर्विक्स बोल रहे तो उस केस में आपको आपके डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करके ऑपरेशन करना है, बेड रेस्ट करना है या मेडिसिन यूज करना है। अभी आते हैं कि ये क्यों होता है। शॉर्ट सर्विक्स होने के दो रीज़न है। एक तो जेनेटिकली हो सकता है, जेनेटिकली मानो आपके बच्चादानी में यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बनते वक्त उसमें कुछ शेप में प्रॉब्लम है, मानो बाइकॉर्नियट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, वो केसेस में वो सर्विक्स वीक रह के पहले खुल सकता है। या कुछ 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 कनेक्टिव टिश्यू बीमारी रहती है, मानो उसमें कोलेजन फाइबर्स जो सर्विक्स के मसल है वो बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं और वो टाइम पे पहले ही खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और कभी कभी बनते वक्त ही आपका सर्विक्स वीक रहता है, जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आपका सर्विक्स शॉर्ट होता है और वो खुलना स्टार्ट होता है। अभी कुछ कुछ एक्वायर्ड चीज़ें भी है जिसकी वजह से सर्विक्स शॉर्ट हो जाता है, वीक हो जाता है। मानो अगर आपका रिपीटेड DNC हुआ, रिपीटेड आपके एबॉर्शन हुए, आपने बहुत ऑपरेशन करके 4-5 बार अगर DNC करा तो आपका सर्विक्स वीक हो जाता है। मानो आपका पहले डिलीवरी के वक्त आपके सर्विक्स को कुछ टियर हुआ था, सर्विक्स कट हुआ था, या आपकी फोर्सेप डिलीवरी हुई है उस वक्त आपके सर्विक्स को कुछ कट लगे थे, उस केस में वो सर्विक्स वीक होता है और सेकंड प्रेगनेंसी में वो सर्विक्स जल्दी ओपन होने की रिस्क रहती है। मानो आपके सर्विक्स में कुछ गाड़ थी, मानो सर्वाइकल फाइब्रॉइड था या कुछ और स्वेलिंग वगैरह था जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर ने वो गाड़ निकाली है, उसकी वजह से आपका सर्विक्स वीक रहता है और वो केसेस में जल्दी डिलीवरी होने की रिस्क रहती है। अभी ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। आपको एज सच इसके कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं। जनरली पेशेंट जब भी एबॉर्शन लेके आते हैं तो वो पेनलेस एबॉर्शन रहता है, पेशेंट को कुछ भी पेन नहीं होते। पेशेंट बोलते हैं कि वॉशरूम में गए और कुछ तो निकल गया डॉक्टर, एकदम से बच्चा बाहर आ गया। तो इस केस में आपको एज सच इतने अलार्मिंग सिम्टम्स या साइंस नहीं रहेंगे, डॉक्टर को ही डायग्नोस करना पड़ता है। पुराने ज़माने में हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन करके सर्विक्स का लेंथ और उसका
ओपन है या नहीं वो चेक करते थे, लेकिन अभी के ज़माने में सोनोग्राफी बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। दो टाइप का सोनोग्राफी कर सकते हैं हम लोग, एक तो ऊपर से जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसएब्डोमिनल सोनोग्राफी, और दूसरा आता है इंटरनल जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। उसमें हम लोग दो चीज़ें देखते, एक तो सर्वाइकल लेंथ देखते, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस ऐसे दो टर्म है जिससे सर्विक्स का लेंथ हम लोग मेजर करते हैं। अराउंड 3 to 4 centimeter नॉर्मल लेंथ रहता है, जो हम लोग थर्ड मंथ का जो स्कैन रहता है एंटी स्कैन 12 वीक्स को चेक करते हैं, और वापस से फिफ्थ मंथ का जो स्कैन आता है एनामली स्कैन उसमें चेक करते हैं। अगर आपके सर्विक्स का लेंथ 2.5 centimeter यानी 2.5 centimeter से अगर कम आ रहा है तो उस केस में आइडियली आपको ऑपरेशन करना चाहिए। दूसरा है कि हम लोग इंटरनल ऑस का शेप चेक करते हैं। अगर आपका इंटरनल ऑस यानी थैली का मुंह अगर ओपन होना स्टार्ट हुआ तो सोनोग्राफी में हम लोगों को उसमें चेंजेस दिखते, वाई शेपेड चेंज या फिर वी शेपेड चेंज या यू शेपेड चेंज दिखता है, मानो आपका सर्विक्स ओपन हो रहा है, बच्चा बाहर आ सकता है, उस केस में आपका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। अभी फोर्थ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर सच में इस केस में ऑपरेशन करना जरूरी है क्या। अभी ऑपरेशन तीन टाइप के आते हैं, एक तो प्रोफाइलैक्टिक सर्वाइकल इनसर्कलेज बोलते हैं। प्रोफाइलैक्टिक यानी किसमें कि ऑन सेफर साइड, मानो आपको ट्विन्स है या ट्रिपलेट है तो दो से ज़्यादा अगर बच्चे हैं या दो बच्चे हैं उस केस में एक से ज़्यादा दो सर्विक्स पे प्रेशर आके वो सर्विक्स जल्दी ओपन होने की रिस्क रहती है, तो ट्विन्स में जल्दी डिलीवरी होने की रिस्क रहती है, इसलिए ऑन सेफर साइड हम लोग एक बार थर्ड मंथ का सोनोग्राफी हो गया बच्चा सब ठीक है या नहीं उसके बाद में हम लोग ये स्टिच लगा देते। मानो आपको पहले दो तीन सेकेंड ट्राइमेस्टर पेनलेस एबॉर्शन हुए है या आपकी सेवन्थ एट मंथ में जल्दी डिलीवरी हुई है तो वो केस में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में डॉक्टर वो स्टेज तक जाने का वेट नहीं करते, पहले ही आपका स्टिच लगा देते हैं। अभी सेकेंड आते हैं थेरापेटिक ऑपरेशन। थेरापेटिक यानी क्या कि डॉक्टर ने एंटी स्कैन करा यानी थर्ड मंथ की सोनोग्राफी करी या फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ की सोनोग्राफी करी, उसमें दो सोनोग्राफी में आपका सर्विक्स का लेंथ शॉर्ट ही आ रहा है या आपका सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हुआ है उसमें वी शेप या यू शेपेड या वाई शेपेड चेंजेस दिख रहे उस केस में डॉक्टर आपको ऑपरेशन सजेस्ट करेंगे। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग इमरजेंसी सर्वाइकल इनसर्कलेज बोलते हैं कि जिस केस में आपका सर्विक्स पूरा ओपन होके आप आते हैं, आपको सिम्टम्स कुछ भी नहीं रहते, कभी कभी पेशेंट को हल्का फुल्का बैक पेन रहता है, सर्विक्स एक 1 to 2 centimeter ओपन रहता है और बच्चे के अराउंड का जो पानी का बैग है उसका मेम्ब्रेन्स हम लोगों को दिखता है, तो वो केसेस में हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं कि वो ऑपरेशन हम लोगों को इमरजेंसी में करना पड़ता है, जिसमें वो पेशेंट कितना आगे जाएंगे इसका चांसेस बहुत ही कम रहता है, स्टिल हम लोग अटेम्प्ट करते फोलिस कैथेटर का बल्ब इम्प्लांट करके हम लोग वो मेम्ब्रेन्स को जेंटली पुश करते ऊपर, बच्चे को पुश करते और वो सर्विक्स को स्टिच लगा देते और वो पेशेंट को फिर हम लोग डिलीवरी होने तक स्टिक बेड रेस्ट बोलते हैं। तो ये हो गए तीन टाइप के ऑपरेशन। अभी पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर ये ऑपरेशन करने की या फिर ऑपरेशन बहुत बड़ा है क्या, ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है या बच्चे के ऊपर उसके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं, ये टोटली सेफ ऑपरेशन है, हार्डली 15-20 मिनट्स का ये ऑपरेशन रहता है। एक्चुअली आपकी बॉडी को कहीं पर कट भी नहीं आता है, आपको सलाइन में से इंजेक्शन देते हैं, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, आपको नींद आ जाती है और नीचे हम लोग नॉन एब्सॉर्बेबल थ्रेड से नायलॉन के थ्रेड से वो सर्विक्स को राउंड द क्लॉक बांध देते हैं, उसकी वजह से बच्चे के प्रेशर की वजह से वो सर्विक्स ओपन ना होकर के लिए। डे केयर प्रोसीजर है आपको सुबह एडमिट होने का, इवनिंग को डिस्चार्ज, एज सच आपको बेड रेस्ट की भी जरूरत नहीं रहती है ऑपरेशन के बाद, आप आपका रूटीन काम कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अगर आपको मानो इमरजेंसी ऑपरेशन करा, आपका सर्विक्स ओपन था, आपके बच्चे के मेम्ब्रेन्स दिख रहे थे, उस केस में डॉक्टर आपको डिलीवरी होने तक बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट है लेकिन अगर आपका सर्विक्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और सॉफ्ट हुआ है, उस केस में वो बेबी सर्विक्स को तोड़ के भी बाहर आ सकता है, आपको एबॉर्शन या जल्दी डिलीवरी हो सकती है, इसलिए अगर आपका इमरजेंसी में ऑपरेशन करा तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है पेशेंट का कि डॉक्टर ऑपरेशन करना सच में जरूरी है क्या, ऑपरेशन के अलावा कुछ और ऑप्शंस नहीं है क्या। ऑप्शंस अवेलेबल है लेकिन आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके अभी के एटेक्चुअल फाइंडिंग्स क्या है, आपका सर्विक्स कितना ओपन है, उसके ऊपर आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। मेडिसिन के प्रिपरेशन भी अवेलेबल है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन के कैप्सूल्स यूज़ करते हैं हम लोग, वजाइनली वो पुश करने रहते हैं, आपको डिलीवरी होने तक दो बार वो कैप्सूल पुश करने रहेंगे, या प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस भी आते हैं, आपको हफ्ते में एक बार लेना रहेगा।
रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। मानो अगर आपको रिपीटेड एबॉर्शन की हिस्ट्री है, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी फिफ्थ सिक्स मंथ में आपके एबॉर्शन हुए हैं, या आपके रिपीटेड सेवन्थ एट मंथ में डिलीवरी हुआ है, या फिर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, या आपको IVF कंसेप्शन है। आजकल IVF कंसेप्शन में भी गायनेकोलॉजिस्ट रिस्क नहीं लेते, प्रोफाइलेक्टिकली स्टिच डाल देते ताकि जल्दी डिलीवरी ना हो। तो ऐसा अगर केस है तो उस केस में डॉक्टर आपको बेटर ऑपरेशन ही सजेस्ट करेंगे। अगर आपका सर्विक्स सिर्फ शॉर्ट है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है और आप बेड रेस्ट करने के लिए रेडी है, तो उस केस में शायद आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगे। लेकिन ये टोटली आपके हिस्ट्री के ऊपर, आपके अभी के साइंस क्या है, आपके सोनोग्राफी फाइंडिंग्स क्या है, उसके ऊपर आपके डॉक्टर डिसीजन लेंगे। अभी आगे का क्वेश्चन रहता है लोगों का कि मानो बार बार अगर एबॉर्शन हो रहे, बार बार अगर सेवन्थ एट मंथ में डिलीवरी हो रहा है, ये स्टिच भी डाला, स्टिल स्टिच फेल होके भी डॉक्टर जल्दी डिलीवरी हो रहे, तो उस केस में हम लोग कुछ और ऑप्शन है क्या? तो उस केस में हम लोग नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, मतलब प्रेगनेंसी होने के पहले ही, एब्डोमिनल सर्वाइकल एनसर्कलाज बोलते हैं कि हम लोग ऊपर से वो सर्विक्स को स्टिच डालते हैं। तो आइदर हम लोग ओपन टेक्निक कर सकते हैं या लैप्रोस्कोपी से करते हैं कि पेन के जैसे कैमरा अंदर जाते हैं और वो सर्विक्स को हम लोग प्रेगनेंसी होने के पहले ही बांधते हैं और काफ़ी हाई लेवल पर बांधते ताकि वो ओपन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टेक होम मैसेज यही रहेगा कि अगर मानो कि आपके डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन एडवाइस करा कि आपका सर्विक्स शॉर्ट है या फिर आपका सर्विक्स खुल रहा है, तो उस केस में आप आपके डॉक्टर को वाइज डिसीजन लेने को बोलो, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके बॉडी का रिस्पॉन्स है। अगर आपकी जल्दी डिलीवरी हुई, अगर आपकी सेवन्थ एट मंथ में डिलीवरी हुई, तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रीटर्म रहेगा, उसको NICU स्टे लगेगा, आपको खर्चा भी बहुत ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस भी रहेगा, प्लस बच्चे को भी लॉन्ग टर्म बहुत सारे मॉर्बिडिटी रहेंगे। ऑपरेशन के एज सच आपके बेबी के ऊपर और आपके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।